तो ये है चेंसो रिपेयरिंग का पार्ट टू वीडियो। अगर आपको पार्ट वन देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पार्ट वन देख सकते हैं। यहाँ पर हम धीरे धीरे इंसुलेटर में अच्छे से लगा लेंगे कवर को। जब कवर हमारा लग जाए तो इसमें आपको दो एलेंकी बोल्ट मिलेगा, उसको टाइट कर देना है दोनों तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक बगल में नोटिफिकेशन बेल घंटी होगा उसे भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए तो एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिए, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें हमें, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। यहाँ पर मिलेगा आपको एक ब्लैक पाइप जो कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको अंदर की ओर खींच लेंगे। तो हमने पाइप को निकाल दिया है बाहर, अब हम लगाएंगे कार्बोरेटर गैसकेट को। यहाँ पर आप ध्यान से देखें मैं किस तरह पैकिंग को लगा रहा हूँ। आगे मैं वाशर को लगाऊंगा, कार्बोरेटर को लगाऊंगा, पाइप को कहाँ कहाँ लगाना है आप ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो आप बने रहें वीडियो में और अच्छे से देखते रहें और समझें किस तरह मैं फिट कर रहा हूँ। वाशर को हमने अच्छे से बैठा दिया है, अब हम लगाएंगे कार्बोरेटर फ्लेंचर। तो यहाँ पर फ्लेंचर को जब भी लगाना है तो कार्बोरेटर का जो इंसुलेटर है उसके ये अंदर में रहेगा, गोल सर्कल में पूरा बैठा हुआ रहेगा और ये पूरा घूमना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख के लगाएं, और अगर सही से नहीं लगेगा तो मिस फायरिंग करेगा मशीन, इसलिए अच्छे से लगाएं देखकर। तो अब हम लगाएंगे कार्बोरेटर को। तो सबसे पहले हम एस्केलेटर वायर को फंसा लेंगे, उसके बाद हम सभी पाइप को एक एक करके लगाएंगे। तो ये हमारा पाइप बड़ा है इसलिए हम इसको काट रहे हैं, काट कर छोटा कर रहे हैं। पाइप ज़्यादा बड़ा होगा तो वो राउंड होकर ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए पाइप को ज़्यादा बड़ा ना लगाएं। यहाँ पर एस्केलेटर को 4-5 बार प्रेस करके देख लेते हैं कैसा काम कर रहा है। तो एस्केलेटर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब हम ऊपर वाले पाइप को लगाएंगे जो इंजन से कनेक्ट है। एक और पाइप है जो कि बहुत लंबा है, इसे भी हम कट करके लगाएंगे। हमारे पास है एक वाशर, तो इसको आप लोग ध्यान से देखकर लगाएं। यहाँ पर हम खोल कर निकालेंगे इग्निशन कॉइल को और इसको अच्छे से सफाई करेंगे। इसमें कार्बन आ जाता है तो स्पार्क सही से नहीं करता है, इसलिए हम इसको खोल कर और अच्छे से सफाई कर। फ्लाईव्हील में भी कार्बन आ गया है तो इसको भी हम हल्के हल्के घस कर और
सूखे कपड़े से साफ़ कर लेंगे। अब आपको लेना है यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड, उसकी मदद से इग्निशन कॉइल को फ्लाईव्हील में बैठा कर दोनों बोल्ट को टाइट करना है। यहाँ पर हम विजिटिंग कार्ड को इसलिए लगाते हैं ताकि फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल के बीच हल्का कुछ गैप मिले। अगर गैप नहीं मिलेगा तो वो सट जाएगा, इसके कारण से फ्लाईव्हील घूमेगा नहीं। इसके बाद ब्लैक वाले स्टार्टर कवर जो है इसको हम लगा लेंगे और इसके बाद स्टार्टर को फिट करेंगे। सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ पर हम फिट करने वाले हैं ऑन ऑफ स्विच को। स्विच को हम नीचे की ओर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऊपर में ऑफ हो जाएगा। स्पार्क प्लग को खोल के बाहर निकाल लेंगे और प्लग कैप में लगाकर स्टार्टर को खींचकर करंट चेक कर लेंगे कैसा आ रहा है करंट। तो जैसा कि देखा आपने, स्पार्क प्लग में काफ़ी अच्छा करंट आ रहा है। हमारा स्पार्क प्लग बिल्कुल सही है, तो हम स्पार्क प्लग को लगा लग रेंज की मदद से टाइट कर लेंगे। यहाँ पर हम पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलेंगे और इसमें पेट्रोल डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब भी आप पेट्रोल डालें, 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml आपको टूटी ऑयल डालना है। टूटी ऑयल का खास ध्यान रखें, जब भी पेट्रोल आप डालें टूटी ऑयल ज़रूर डालें। अगर आप टूटी ऑयल सही से नहीं डालिएगा तो फिर से इसका ब्लॉक पिस्टन ख़राब हो सकता है। जहाँ से आप पेट्रोल लेते हैं वहाँ पर आसानी से आपको टूटी ऑयल मिल सकता है, तो वहाँ से लेकर आप डाल सकते हैं। अब हम करने वाले हैं मशीन को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एस्केलेटर 4-5 बार प्रेस कर लेंगे। उसके बाद आपको छोटा सा बॉल मिलेगा, प्राइम बॉल, इसे एयर पग भी बोलता है। इसको 4 से 5 बार प्रेस करके तेल को चढ़ा लेंगे। तो चलिए, स्विच को भी कर लिया है मैंने ऑन और अब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मशीन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, फिर से एक बार स्टार्ट करके चेक करेंगे। अब हम लगाएंगे साइलेंसर को, दोनों बोल्ट को अच्छे से फंसा लेंगे। फंसाने के बाद साइलेंसर को लगाएंगे। दो नट आपको ऊपर की ओर लगाना है जो कि 10 नंबर का है। यहाँ पर आपको 2 एलिंकी बोल्ट टाइट करना है जो कि 4 नंबर का है। एलिंकी बोल्ट को एलिंकी के मदद से फुल टाइट मारें, नहीं तो अगर टाइट नहीं होगा सही से तो लीकेज करेगा, इसलिए अच्छे से टाइट कर ले दोनों को। एक छोटा सा रबड़ कवर है ब्लैक, जो कि हम ऑन ऑफ स्विच में ऊपर से लगाएंगे। ये है चौक लीवर, तो चौक लीवर को हम कार्बोरेटर में लगा लेंगे। चौक का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमारा मशीन स्टार्ट नहीं होगा फर्स्ट टाइम, और जब भी चौक में मशीन स्टार्ट हो जाए उसके बाद चौक से मशीन को हटा देना है, उसके बाद ही मशीन को चलाना है। चौक में मशीन को नहीं चलाना है, नहीं तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाएगा और मशीन आपका कभी भी ख़राब हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें चौक में मशीन को कभी ना चलाएँ। यहाँ पर हम लगाएंगे एयर फिल्टर को, जो कि बिल्कुल क्लीन है। अगर आपके मशीन का एयर फिल्टर ब्लॉक है तो उसे एक बार क्लीन कर ले और क्लीन करके ही लगाएं। एयर फिल्टर क्लीन रहेगा तो मशीन आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा। जब भी 8 आवर्स आपका मशीन चले एक बार एयर फिल्टर को क्लीन ज़रूर करें। हर 8 आवर में आपको एयर फिल्टर को क्लीन करना है। हम लगाएंगे एक नया चैन, इसका पुराना वाला जो चैन था
वो ख़राब हो चुका था, इसलिए हम नया चैन को लगा रहे हैं। यहाँ पर चैन जब भी आप फिट करें तो अच्छे से फिट करें, देखकर कौन उल्टा है और कौन सीधा है। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं सीधा कहाँ पर है और कैसे लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक धार मिल जाएगा चैन में, जो कि आगे की ओर रहेगा। बार में जब भी लगेगा तो ये आगे की ओर रहेगा धार इसका, और ये लेफ़्ट साइड में आपका धार नहीं है, इधर लेफ़्ट साइड में आपका धार नहीं है, तो ये पीछे की ओर लगेगा। जब भी चैन को लगाएं तो इस वाले बैरिंग को ज़रूर से चेक कर लें, ये अच्छे से वर्क करना चाहिए, घूमना चाहिए। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो चैन आपका फंस जाएगा। चैन बार में जब भी लग जाए तो इस तरह आप घुमाकर एक बार चेक कर लें, चैन घूमना चाहिए। चैन घूम रहा है इसका मतलब आपका चैन लग चुका है। ये वाले स्क्रू जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, फिट होकर लॉक हो जाता है। तो चैन हमारा लग चुका है, अब हम लगाएंगे चैन कवर को। चैन कवर जब लग जाए तो लगाने के बाद एक बार स्क्रू को हम घुमाकर चैन को अच्छे से सेट कर लेंगे। चैन को आप जब भी टाइट करें तो ये दोनों नट को आप ढीला कर ले पहले, उसके बाद स्क्रू को टाइट करें। अभी मैं इसको फुल टाइट नहीं करूँगा, पहले चैन सेट करूँगा, उसके बाद मैं इसको फुल टाइट करूँगा। तो चैन जब भी आपका अच्छे से सेट हो जाए तो इस तरह से ये घूमना चाहिए। हमारा चैन टाइट हो गया है तो हम दोनों नट को फुल टाइट कर लेंगे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं हमारा चैन लॉक कैसे होता है। पीछे की ओर प्रेस करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा, और आगे की ओर प्रेस करेंगे तो हमारा चैन लॉक हो जाएगा। तो देखिए, अभी हमारा चैन लॉक हो चुका है, चैन हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारा चैन सेट हो चुका है। तो अब हम मशीन को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मशीन हमारा काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अब हम डालेंगे ऑयल को, जो कि आप लोग बाइक में डालते हैं 20W40, इसको ही चैन वाले टैंक में डालना है। चैन के साथ ये ऑयल रनिंग करता है, तो इस वाले ऑयल को आप ज़रूर से डालें ताकि आपका चैन सही रहे, ख़राब ना हो जल्द। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।